छठ पूजा छठ पर्व हिंदू त्योहारों में से एक बड़ी त्यौहार है जिसमें काली पूजा की 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। खास करके सूर्य देव को इस त्यौहार में उपासना किया जाता है। इस त्यौहार में सारे भारतवर्ष तथा बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर नेपाल में समेत सारे विश्व में अभी मनाया जा रहा है। तभी अभी उड़ीसा के जाजपुर जिले व्यासनगर शहर में इसको मनाया जाता है। आइए इस त्यौहार का क्या महत्व है और किसे मनाया जाते हैं आइए जानते हैं। आपको स्वागत करता हूं प्रतिदिन टीवी में, तो परिचय दीजिए। जी मैं श्वेता सिंह बोल रही हूँ। ये छठ पर्व महापर्व है, छठ पर्व महापर्व है। ये महाभारत के टाइम से ही मनाया जाता है। ये इस छठ को द्रौपदी ने स्टार्ट किया था, द्रौपदी स्टार्ट की थी और वो 500 पांडव जीत गए थे। उस टाइम से ये छठ पर्व मनाया जाता है। ये बिहार का स्पेशली पर्व है लेकिन अब हर जगह स्टार्ट हो गया है। और ये इस पूजा में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता है, निश्चल भाव से सब लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। और ये छठ पूजा सूर्य भगवान के लिए किया जाता है, जो भी मन्नत होता है वो कंप्लीट किया जाता है। सूर्य भगवान का ही आस्था का पर्व है। ये 3 दिन का पर्व है। एक दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन पूरे दिन निर्जल रह के, दिन और रात 24 घंटा निर्जल रह के व्रती लोग तीसरे दिन व्रत तोड़ते हैं सुबह का अर्घ देने के बाद। अभी शाम का अर्घ हो रहा है, सुबह में फिर एक बार अर्घ देने के बाद पारण स्टार्ट होगा और वो पूजा कंप्लीट होगा। आप देख रहे थे इस पूजा के महत्व का जो है पूरी तरह से व्याख्या कर रहे थे महिला, और उपासना के लिए आए हैं यहाँ पे कई भक्त। इसमें चाहिए जानते हैं कैसे ये पूजा करते हैं और कैसे इसे मनाया जाता है, आपका परिचय दीजिए। मैं जयप्रकाश श्रीवास्तव है, बिहार से रहने वाला हूँ। और आस्थाओं का ये महापर्व छठ महापर्व पर आप सभी का, न्यूज बंधुओं का, आए हुए तमाम उड़ीसा वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ के प्रशासन, पुलिस, जितना जनप्रतिनिधि लोग हैं सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हम लोग को इतना दूर दराज रहते हुए भी सारी व्यवस्थाओं में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। देखिए सूर्य पूजा जो है ये आस्थाओं का पर्व है। हम 4 दिवसीय पर्व करते हैं जिसमें सुबह का, आज संध्या का अर्घ है, कल हम लोग सुबह का अर्घ देंगे। इससे पहले एक दिन हम लोग का पर्व बीत चुका है। और ये सूर्य का, ये जिंदा देवता का प्रतिनिधित्व करने वाला पर्व है। और हम चाहेंगे कि आप तमाम न्यूज प्रदेश के जितने लोग हैं इस न्यूज को जो भी देखते हैं सूर्य के पूजा में सहयोग करें। और यहाँ के प्रशासन से बहुत धन्यवाद है हम लोग का व्यवस्था। और जाजपुर रोड में सूर्य मंदिर हम लोग बनाए हुए हैं। और तो बाकी, और आप न्यूज बंधु लोग आए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल हम लोग का ये पर्व खत्म होगा, धन्यवाद। तो देखते हैं अभी और एक में उनसे बातचीत है। आज जो पर्व मनाया जा रहा है कैसे मनाया जा रहा है? ये पर्व जो है इसका जो है उत्थान बहुत पहले से हुआ। और ये एक पर्व ऐसा है जो कि आप देखे होंगे किसी भी पूजा पाठ में हम किसी देवता का पूजा करते हैं, लेकिन एक ये पर्व ऐसा है जो कि डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य का भी पूजा करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी इस पर्व की खासियत ये है कि इसमें कोई पंडित नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इस आप घाट में देखेंगे तमाम तरह के जो है, इसमें उड़िया भाई हो, बंगाली भाई हो, बिहारी हो, यूपी का, हर एक आदमी जो है यहाँ पे जो है व्यवस्थित है। और हर एक आदमी अपने तरफ से जितना हो सकता है जो है सहयोग कर सकता है। यहाँ हम लोग को जो है उड़ीसा में ये 7 साल से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 2 साल कोरोना में नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग आते हैं और रास्ते में जितने भी यहाँ पे हमारे जो उड़िया भाई लोग मिलते हैं वो लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि इस पर्व को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लुभावन बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचलित किया जाए। और जो है इसी हिसाब से देखेंगे कि जो है चारों तरफ उस साइड में भी देखेंगे कम से कम नहीं तो अभी 5,000 से ऊपर लोगों का यहाँ पे व्यवस्था हुआ है। और इसमें कोई व्यवस्थापक नहीं है, हर एक आदमी जो आता है, हर एक जो लेडीज आती है वो सब व्यवस्थापक है। और सभी लोग अपने तरफ से जो है इसकी कामना करते हैं। और सूर्य भगवान से हम यही कामना करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको सबको सद्बुद्धि, सबको जो है सद्भाव रखें और सब लोग जो है हमारे उड़ीसा का जो और भी उत्थान हो, हमारे लोगों का उत्थान है, जो भी लोग इसमें जुड़े हैं सभी का उत्थान हो। और सूर्य भगवान से कल सुबह हम लोग यही प्रार्थना करके हम लोग
जो है अपने सूर्य जो जो छठ पूजा होता है उसका समापन करते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग आए और हम लोगों को जो है ये समय निकाले, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है कितना भीड़ है और कितना लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे जनता को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः। आप देख रहे थे ये त्यौहार हिंदू संस्कृति सभ्यता परंपरा को व्याख्या करता है और सूर्य देव को खास करके इस परंपरा में उपासना किया जाता है। यहाँ पे आए सभी दर्शक और यहाँ पे आए सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारा ही इच्छा है। जसपुर रोड से चक्रधर दास, प्रतिदिन टीवी। जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।